नमस्कार प्रणाम, उत्तर शक्ति टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस समय उपस्थित हूँ रमबियालगंज चंदन महाकाल पत्रकार और कैमरामैन आकाश जी के साथ। आइए हम मुलाकात करवाते हैं। यहाँ पर कुछ शूटिंग चल रहा है जो कि जोगी गीत का। यहाँ पर कुछ कलाकार उपस्थित हुए हैं, बहुत ही अच्छा काम करने वाले माने जाने जाते हैं। आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए बैठे हैं बाबा जी। क्या नाम बाबा जी आपका? राम सूरत मौर्य। बाबा जी आप यहाँ पर किस रूप में बैठे हैं? ऐसे भैया भिक्षा मांगे के रूप में बैठा रहे, आज मंदिर पे मन भरते यहीं चला आए। अच्छा, भिक्षा मांग रहे हैं। तो कौन कौन से गांव आपने भिक्षा मांगा अभी तक? अभी तक तो औरैला मांगा, पाली, अमड़िया की तरफ चल रहे हैं जी। देखिए बता रहे हैं बाबा जी कि मैं इसमें भिक्षा मांग रहा हूँ हर गांव में घूम घूम, क्योंकि इसमें भिक्षा, क्योंकि भिक्षा मांगने का समय चल रहा है। और हम आपसे पूछना चाहेंगे बाबा जी कि आप भिक्षा मांग रहे हैं कि आप यहाँ पर कला प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, कला नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, भिक्षा मांग के पेट दिला रहे हैं, खा पी रहे हैं, मोह माया से एकदम मुक्त होना चाहते हैं। मोह माया कोई रखा नहीं है जी, कोई क्या लेके जाएगा। हम तो सुने हैं कि बाबा बनने का आजकल बड़ा फायदा हो गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए हैं, जो कि बाबा रहे हुए पहले से, वो भी आज बाबा के नाम पे छाए हुए हैं। आप भी बाबा बन के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं क्या? बाबा बन के पूरा देश है प्रधानमंत्री बन जाएगा मुख्यमंत्री जी। अरे बाबा का मतलब ये होता है कि बाबा बन के दे, अरे लोगों का भला करिए जी, और भक्ति भाव जो है जगाइए सब में। अब ये नहीं कि उनका लूटे उनका लूटे जी। देखिए बाबा जी का कहना है कि आज कल सब लोग बाबा के नाम पे लूट रहे हैं ना, यही कह रहे हैं आप ना? हाँ। तो आप भी लूट रहे होंगे? नहीं नहीं, आप नहीं लूटते, एक तरह नहीं होते हैं सब जी। आप किस बाबा के पुजारी हैं, जैसे कहाँ से आपने आया है? हम खाटू श्याम जी का पुजारी हैं। खाटू श्याम जी का? हाँ। तो यहाँ कैसे हुआ आपका आना? अब ऐसे अब पूरा देश भ्रमण करते करते हैं जो है कि धीरे धीरे यहाँ भी चले हैं। अरे कॉमेडियन एक्टर है भोजपुरी के, जो कि बहुत अच्छे नामों का है, मुत्तन दादा, आप उनके गांव में कैसे उपस्थित हो? खूबी नाम सुना था तो हम थोड़ा जान रहे हैं उन्हीं का गांव है। चले आज कुछ लड़के यहाँ खड़े थे, हमने पूछा और सही नदी है भाई, पावन जो है की धरती है, नदी है, सुना हूँ। तब नदी किनारे ज्यादा बाबा लोग रहते हैं जी, जी। नहाने वहाने मकान रहता है, तो मैं सुना भाई मुत्तन दादा जी का ये गांव है जी जी, देखने चले आए। अब हो सकता है मुत्तन दादा जी आ भी सकते हैं जी जी जी। देखिए बता रहे हैं जी जी, यहाँ बाबा जी बहुत ही अच्छे कॉमेडियन एक्टर के गांव में उपस्थित है, मुत्तन दादा जी के गांव में। बाबा जी ने बताया कि इस समय माहौल चल रहा है ऐसा, उसी माहौल में हम भी चल रहे हैं जी, खा रहे हैं। बाबा जी एक बात हमसे पूछना चाहेंगे कि आप इसमें सारंगी लिए हुए हैं, बाबा बने हुए हैं, मैं तो देख रहा हूँ आपका शूटिंग चल रहा है, आप बोल रहे हैं भिक्षा मांग रहे हैं, कैमरा लगा हुआ आपके सामने बैठा था, इसे आए बोले भैया देखिए बाबा, उनको देखिए आदमी लाएंगे पैसा देंगे, हम ऐसे बैठे थे तो उनको लगा चलो यही शूटिंग कर लेते। अच्छा, मतलब आपको भका के शूटिंग करवा रहे हैं? पैसे नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे। देखिए बता रहे हैं शूटिंग करवा रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छे सिंगर हैं हरीश यादव सर, आइए मुलाकात करवाते हैं और जानकारी लेना चाहेंगे। बहुत ही अच्छे सिंगर हैं हरीश यादव जी, आइए उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर किस चीज का सर, आप यहाँ पर जोगी बाबा को बैठाए हुए हैं, किस कारण बैठाए हुए हैं जी? नमस्ते प्रणाम, उत्तर शक्ति न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं सिंगर हरीश यादव, अभी हमारा यहाँ जोगी गीत शूट हो रहा है जो हमने गाया है, बहुत बखूबी और बहुत सुंदर गीत है जो कि आरएआर म्यूजिक पर आएगा। वो तो मजाक कर रहे थे एक्टर साहब आपसे, बड़ी शिद्दत से हम लोगों ने इस गाने को गाया है और बड़ी मेहनत से शूट किया जा रहा है जी। बस दो तीन दिन के बाद लगभग 20 तारीख तक आरएआर म्यूजिक पर आ जाए। हम आपसे पूछना चाहेंगे हरीश सर कि आप इस समय बता रहे हैं जोगी गीत गाया है, इसमें पूरी दुनिया में भोजपुरी इंडस्ट्री का चल रहा है माहौल, अश्लील गानों को लोग आते हैं, आप जोगी बाबा का गीत गाते हैं, क्या लगता है आपको लोग सुनेंगे? गाने के लिए तो हमने भी कई कैटेगरी के गाने गाए हैं, जरूरी थोड़ी ना कि हम जोगी गीत गाते हैं। अश्लील गाना जहाँ चलता है इसमें चल रहा है माहौल, लगन का चल रहा है, शादी विवाह का अश्लील गाना का ज्यादा लोग पसंद करते हैं, तो आप जोगी गीत को कैसे पेश करेंगे लोगों के बीच में? जोगी गीत अश्लील नहीं होता है ना, तो अश्लील गीतों के बीच अगर जोगी गीत जाएगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्या एक ही टाइप का भक्तीय भजन देखते हैं? नहीं, हम तो हर टाइप को देखते हैं। देखते हैं ना, तो उसी में आ जाता है, कुछ अश्लील देखते हैं कुछ और देखते हैं, तो जो लोग अश्लील देखते हैं वही अच्छा देखते हैं, तो उनके उन्हीं लोगों के लिए ही ये जोगी गीत भी है। बहुत बहुत हम देखिए बता रहे हैं हरीश यादव सर कि ये जो गाना जोगी गीत आ रहा है आप लोग के बीच में, आ रहा है म्यूजिक पे आ रहा है, और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इसमें कॉमेडियन एक्टर मुत्ता दादा जी के गांव में हैं,
अब आप यहाँ पर कैसे आए, मतलब किस माध्यम से आए? देखिए, गांव किसी का भी हो ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप करने क्या जा रहे हैं। जी जी, तो हम लोग यहाँ शूट करने आए हैं। लोकेशन बड़ा अच्छा था, हमारे मित्र हैं कंचन जी और उनके माध्यम से ये लोकेशन मिला है जी। और कोशिश यही है कि इस लोकेशन का पूरा फायदा उठाया जाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बता रहे हैं सर किस लोकेशन का पूरा फायदा उठाया जाए। यहाँ पर काफी वीडियो हुआ है, काफी अच्छा शूटिंग हुआ है। हमारे चैनल के माध्यम जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं कैमरा मैन आकाश जोशी से कहना चाहूंगा कि एक बार फिर से फोकस करेंगे हम हरीश सर के पास कि आप यहाँ पर जोगी गीत कर रहे हैं और इसमें आपका आर्यन म्यूजिक का गाना आने वाला है तो, और इसके बाद समय चल रहा है, चुनाव का माहौल चल रहा है, लोकसभा मछली शहर से आप बिलोंग करते हैं, उस चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे सर? बिल्कुल, चुनाव का स्तर एक अपना अलग स्तर है और हम कलाकारों का अलग है, लेकिन अब तो देख रहे हैं टाई अप हो गया है चुनाव और नेता अभिनेता का दोनों का। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इसमें जितने भी स्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, बॉलीवुड हॉलीवुड, सभी लोग एक नेता के रूप में आ रहे हैं, कलाकार के माध्यम से नेता के रूप में सांसद बन गए हैं, रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, निरहू जी बन गए सांसद जो कि पहले के नाचने गाने वाले थे, आप इसमें देख रहे हैं पवन सिंह भी खड़े हुए हैं, गुंजन सिंह खड़े हुए हैं, तो आप भी कला के माध्यम से क्या नेतागिरी में आना चाहते हैं क्या? देखिए, पवन सिंह, गुंजन सिंह या रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, सबका दौर लगभग लगभग जो उनका शीर्ष था उसको वो पा लिए, इसके बाद वो क्या बोलते हैं कि एंडिंग की तरफ है जी, उनका करियर खत्मा की तरफ है। अब नए लोगों का वर्चस्व हो रहा है इंडस्ट्री में, तो पुराने लोग अपना कोई न कोई धंधा बिजनेस ले रहे हैं, तो उसी तरह से हम लोग भी अभी मेहनत कर रहे हैं, बढ़ेंगे तो बिल्कुल सांसद विधायक मंत्री तो बनेंगे ही, जब काम हमारा इंडस्ट्री का खत्म होने लगेगा। जी जी, इसके पहले कोई बात नहीं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत अच्छा आपने कहा कि हर जैसे लोग चलते हैं, हम लोग का अलग अलग इरादा होता है। आज सभी लोगों ने इतना मेहनत करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं, रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, निरहू जी, पवन सिंह जी, केसारी जी, गुंजन जी, रितेश पांडे जी, जितने भी लोग पहुंचे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं। हरीश यादव जो कि आप जौनपुर जिला में छाए हुए हैं और बाबा जी ने कुछ अपने कला के माध्यम से कुछ बोले हुए हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बाबा जी। बाबा जी एक बार आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने बताया कि हम यहाँ पर जोगी के रूप में भीख मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, क्या हमको लगता है कि आजकल की दुनिया में भिक्षा देने वाला कोई है ये नहीं बाबा को? बिल्कुल है, हम तो देख रहे हैं कहीं दे ही नहीं रहे भिक्षा। भिक्षा देते हैं, भिक्षा लेने वाला चाहिए, नियत की नजरिया सही होनी चाहिए। जी करके दे, करके दे, करके दे, करके दे, करके दे, करके दे।